हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मस्त असरदार नुस्खा। ऐसी नुस्खा कि ये आपकी एल्बो एंड नकल में जो जिद्दी कालापन होता है उसको रिमूव कर आपकी एल्बो और नकल को लाइट बनाएगा। गाइस, ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ हाथ और पाँव के लिए है। इसे भूल कर भी अपने फेस पे मत ट्राई करना। ये ओनली हाथ पाँव के जिद्दी कालापन को हटाने के लिए है। सो फ्रेंड्स, हम कुछ भी क्यों ना कर लें, हमारा जो एल्बो होते हैं वहाँ पे एक अलग टाइप का कालापन रहता है और आप कुछ भी करो वो ठीक नहीं होता। तो आज जो हम नुस्खा यूज़ करेंगे, इसके रेगुलर यूज़ से आपकी एल्बो लाइट हो जाएगा, रहता है हमारे फिंगर का उसको भी लाइट करेगा, हमारे पाँव में जो कालापन रहता है उसको भी ठीक करेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे मेरी आने वाली और भी वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है, सबसे पहले हमें एक बाउल ज़रूरत है हमारा नुस्खा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक बाउल। देन मैं इसमें डाल रही हूँ सल्ट। सल्ट यानी कि नमक, आप जो खाने में यूज़ करते हैं वही नमक लेना है आपको। एक से दो चम्मच मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सल्ट, खाने का नमक। देन मैंने जो नींबू लिया हुआ था, लेमन, उसको मैंने काट लिया और उसका हाफ हिस्सा आप देख ही सकते हैं, उसको मैं नमक में डिप कर रही हूँ ताकि नींबू में वो नमक लग जाए अच्छे से। आप देख ही सकते हैं, नींबू हमारे स्किन को फेयर करने के लिए बहुत ही कामयाब है। जब हम नींबू को अप्लाई करेंगे हमारे जिद्दी कालापन के ऊपर और रेगुलरली यूज़ करेंगे तो ये हमारी एल्बो को ठीक कर देगा। तो मैं यहाँ पे आपको अपने हैंड पे करके दिखा रही हूँ। एंड हाँ गाइस, मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप इसको ओनली अपने हाथ और पाँव में यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को फेस पे ट्राई मत करना, ये फेस के लिए नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं, मैं यहाँ पर जो नींबू और नमक लिया हुआ था उसको मैं अपने हाथ में स्लो मोशन में और सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। आपको घिसना नहीं है अपने स्किन के ऊपर, जैसे आप स्क्रब वगैरह करते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करना है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो मेरे नकल्स हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ ताकि यहाँ पे जो दाग होते हैं ना, कुछ भी कर लो यहाँ की जो दाग होते हैं वो हटते नहीं हैं। तो वहाँ पर ऐसे अप्लाई करने से नींबू को ये हट जाएंगे। सो आप देख ही सकते हैं, इसको 3 से 5 मिनट तक आपको अपने हैंड एंड पाँव में रब करना है। उसके बाद इसको आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। इस ट्रिक को आप अपने हाथ पे, पाँव पे जो होते हैं जिद्दी कालापन, उसमें अपने एल्बो में जहाँ जहाँ आपकी ऐसे कालापन है जो कुछ भी कर लो जाता नहीं है, कालापन के रह जाता है, वहीं पर अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छा तरीका है और इफ़ेक्टिव तरीका है। सो मैं अपना हैंड वॉश कर लिया है तो आप देख ही सकते हैं मेरे हैंड में जो ग्लो है, जो शाइन है, और मेरे नकल्स भी कुछ हद तक साफ हो चुके हैं। और आप सोचिए, अगर रेगुलरली आप इसको यूज़ करते हैं तो ये कैसा इफ़ेक्ट करेगा। रेगुलरली मतलब आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 1 से 2 बार ट्राई कर सकते हैं। रेगुलरली मतलब आपको इसको रोज़ यानी कि डेली यूज़ नहीं करनी है। ऐसे आप अगर आप हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। सो गाइस, एक बार इसको ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, मुझ पे काम किया है। सो मैंने आपके साथ ये ट्रिक शेयर किया। मैं पहले ट्राई करती हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है, देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप गाइस मेरी वीडियो आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए असरदार रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।